दोस्तों आज मैं अमर बेल के ऐसे गुप्त प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपनी बीमारियों का इलाज तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको ऐसे आध्यात्मिक उपयोग में अमर बेल के बताऊंगा जिससे कि आप अपने घर में लक्ष्मी जी ला सकते हैं, अर्थात आपके घर में पैसे की कोई भी कमी नहीं रहेगी, आप पर होगी माँ लक्ष्मी की कृपा और आप भी बन जाएंगे करोड़पति। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने जा रहा है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ग्रो टू सक्सेस में। ये हिंदू देव देवताओं का चैनल है दोस्तों, यदि आप भी हिंदू देव देवताओं को मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए ही बना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों आज की वीडियो में, आज का बहुत ही सुंदर वीडियो होने जा रहा है दोस्तों, और आज के वीडियो में मैं आपको अमर बेल के बारे में बताऊँगा, एक ऐसी बेल के बारे में बताऊँगा जिसे आकाश बेल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जिस जगह पर हो, आप जिस भी जगह पर हो, यह किस नाम से जाना जाता है कमेंट में हमें ज़रूर बताना। आप कौन से राज्य से हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं और यह बेल आपके राज्य में किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों यह एक प्रकार की लता होती है, अर्थात एक प्रकार की बेल होती है और यह भी पेड़ पर लिपटी हुई होती है। तो पेड़ के अंदर की जितनी भी शक्ति होती है यह बेल अपने अंदर खींच लेती है और यह पेड़ को सुखा देती है। तो आयुर्वेदिक दृष्टि से अमर बेल जो होती है वो बहुत ही उत्तम होती है। इसमें बहुत सारी जो बीमारी को ठीक करने की शक्ति होती है, यह बीमारी को ठीक करने के काम भी आती है। और आध्यात्मिक की दृष्टि से देखा जाए तो यह हमारे जो बहुत सारे चमत्कारी लाभ प्रदान करती है जिससे हम अमीर भी बन सकते हैं, अमीर बनने के उपाय भी इसमें बताए गए हैं। तो इसकी खास बात यह है कि जिस भी पेड़ पर लिपटी हुई होती है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेती है, उसकी सारी शक्ति के अनुरूप अपने फल प्रदान करती है। तो दोस्तों अमर बेल आपको खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है, इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती है और ग्रामीण इलाकों में, यदि आप ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं तो ग्रामीण इलाकों में आप इसके दर्शन तो ज़रूर कहीं ना कहीं सबको मिली जगह होगी, आपने इसको देख ही रखा होगा। तो आपको मैं अब अमर बेल के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों हमारे चैनल का मकसद है कि भारत भूमि में जो आयुर्वेद की जानकारी है हम आम जनता तक पहुँचाएँ और आध्यात्मिक की दृष्टि से भी हम आपको आम जनता तक सजग करें और उन तक जानकारी पहुँचाएँ ताकि उनको भी बहुत सारे उपाय करके हमारे जो प्राचीन भारत का जो ज्ञान था जो कि अब लुप्त हो चुका है उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करना है। तो दोस्तों भारत भूमि से ज्ञान किस प्रकार से धरोहर को समाप्त हो जाना, हमारे चैनल में व्यूज़ आए ना आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे वीडियो देख करके यदि आपको एक को भी फ़ायदा हो गया, किसी एक दर्शक को भी यदि ये फ़ायदा हो जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने बहुत पुण्य का काम किया है। तो दोस्तों ग्रो टू सक्सेस चैनल का जो मकसद है वो YouTube से पैसा कमाना नहीं है बल्कि लोगों को सही जानकारी बताना है। और एक खास बात है इस चैनल की, दोस्तों इस चैनल के जो पैसे हैं वो पैसे जो हैं वो गरीब और असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए ताकि भारत भूमि में इस प्रकार की ज्ञान की धरोहर हम आम जनता तक, हर गाँव तक, हर कस्बे तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचा पाएँ। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अमर बेल के बारे में विशेष जानकारी है। वैसे तो अमर बेल की लता जो होती है वो बबूल के पेड़ पर ज़्यादा होती है, लेकिन जो ज़्यादा प्रभावी होती है वो आम के पेड़ की होती है। दोस्तों जो अमर बेल पीपल और आम के पेड़ पर पाई जाती है वह चमत्कारिक गुणों से बहुत ज़्यादा भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो जंगल के जो अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर आपके घरों के आसपास जो अमर बेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में प्रयोग होती है तो वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों भारत भूमि में इस प्रकार के लता और पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो हमें कई प्रकार का फ़ायदा पहुँचाते हैं। हर प्रकार के पेड़ पौधे कुछ ना कुछ अलग विशेषता लिए हुए हैं, कुछ ना कुछ अपनी औषधीय गुण इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इनके जो दैविक गुण होते हैं वो भी हमारी भारत भूमि के होने वाले पेड़ पौधों पर ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस ही रहते हैं, हम इनको केवल घास फूस के समान ही समझते हैं। तो अमर बेल का सबसे ज़्यादा प्रयोग दोस्तों गंजेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। जो लोग गंजे होते हैं, जिनके सिर के बाल चले गए हैं, तो अमर बेल के प्रयोग से, अमर बेल के तेल से आप अपने गंजेपन को फिर से उस पर बाल उगा सकते हैं, अपने गंजे हिस्से पर आप उस तेल को लगा सकते हैं और वहाँ पर फिर से बाल आना शुरू होता है। आप अमर बेल को पीस लीजिए और आपने गंजे सर पर लगा सकते हैं। दोस्तों पुनः धीरे 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 आपके सर पर बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अमर बेल को कुछ संख्या में ले लीजिए तो आप जो सरसों के तेल में उबाल कर उसे रख लीजिए। अगर आप अपने गंजे सिर पर इस तेल की मालिश करते हैं तो आपके गंजे सिर पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी माता बहनें होती हैं जिनके घर पर कोई ऐसी माता बहन होगी जिनके गर्भ नहीं ठहर रहा हो,
यानी फिर चेकअप कर लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी गर्भ बार बार गर्भपात हो जाता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना जो मैं आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ। आपको बहुत परेशान हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर दिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा, और लाखों रुपए खर्च करेंगे ना तो भी ये जानकारी आपको नहीं बताएगी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो लोग शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, यानी बच्चा पैदा करने में समर्थन होना चाहते हैं, जिन लोगों को बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ रही है वो उसमें समर्थन होना चाहते हैं, समर्थ होना चाहते हैं, तो ये काम जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसमें शर्माना नहीं है, आपको जानकारी हम बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जिनके गर्भ नहीं ठहरता, या फिर जिनके शुक्र बहुत पतले हैं, जिन इंसान जिन पुरुषों के शुक्र बहुत पतले और जिन महिलाओं के गर्भ नहीं ठहरता, तो ये चाहते हैं कि दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधा चम्मच थोड़ी मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। आपको अमरबेल सुखा लेनी है और अमरबेल का पाउडर लेना है, और आपको आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको एक चम्मच पाउडर, आधा चम्मच पाउडर, एक से आधा चम्मच पाउडर आपको डाल करके एक टाइम रात को सोने से पहले, पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। तो दोस्तों महिलाओं को क्या करना है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। महिलाओं को क्या करना है, मासिक धर्म के 5 दिन बाद आपको नित्य 2 महीने तक इसे पीना है। जिनका गर्भ नहीं ठहर रहा है, जिनका गर्भ बार बार रुक रहा है, या फिर गर्भ गिर जाता है, और भाई लोग जिन्हें बच्चा पैदा करने में समर्थ नहीं है वो भी बच्चा पैदा करने में समर्थ हो जाएंगे। इसके 100% लाभ मिलते हैं। दोस्तों आप डॉक्टर की दवाई भी जारी रखिए, लेकिन अमरबेल का जी जो मैं हम नुस्खा बताने जा रहे हैं ये भी आप करके देखिए, 100% आप इसको लाभ मिलेगा। जिन बच्चों के नाते यानी बोने बच्चे होते हैं, नाटे नाटे बच्चे होते हैं, बोने बोने बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं बढ़ रही, तो जिन बच्चों के पिताजी वीडियो देख रहे हैं, जिनकी माताजी वीडियो देख रही है, जिनके भाई वीडियो देख रहे हैं, यदि अपने घर के नाते बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ये उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आम के पेड़ पर लगा हुआ जो अमरबेल होता है उसको आपको आम के वृक्ष पर लगा हुआ होना चाहिए, उस अमरबेल को आप ले आइए, और आम के वृक्ष पर जो अमरबेल लगा होता है आप इसका पाउडर तैयार करिए सूखा करके, और थोड़ी मात्रा में पाउडर आपको बना लेना है। अब आधे चम्मच से कुछ कम चम्मच, यानी आधे चम्मच से कम चम्मच यानी चौथाई चम्मच आपको लेना है, और गुनगुने गर्म दूध में डालकर नित्य पीना है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको पिलाना है, तो यदि आपको ये छोटे बच्चों को आप ये आधे से कुछ कम चम्मच यानी चौथाई चम्मच आप इसको दूध में मिला करके पिलाएंगे ना, तो उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, उनकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, उनकी लंबाई बढ़ जाएगी, जो वो ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार की जानकारी बहुत कीमती है दोस्तों, आयुर्वेद में आज भी जीवंत है, और आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए मैं आयुर्वेद की तरह आपको ये बालों से झड़ने से रोकने के लिए अमरबेल को, अगर आप अमरबेल के पानी से अगर आप अपने बाल धोते हैं और आपके बाल गिरते हैं, बाल टूटते हैं, बाल झड़ने से रोकना चाहते हैं, तो आप अमरबेल के पानी से अपने बालों को धो लीजिए, तो आपके बाल जो हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे। इसी तरह से आपके जैसे पुराने घाव नहीं सूखते हैं, तो फिर अमरबेल आप लगा लीजिए, आपके पुराने घाव भी सूख जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ जिनको है, उन लोगों के घाव नहीं सूखते, तो आपको क्या करना है, बेल को सूखा कर उसका पाउडर बना लो, और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पर लगाना है। तो धीरे धीरे आप ये देखना कि आपके घाव के जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, और आपका घाव जो है बिल्कुल धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस वृक्ष पर ये होता है ना वो उसका सर्वनाश कर देता है। तो दोस्तों उसका जो गुण है वो समरबेल में आ जाता है, तो जब वो वृक्ष ही सुखा देता है तो घाव में लगाएंगे तो घाव भी सूख जाएगा, तो घाव तो बिल्कुल छोटी चीज़ है, आराम से आपका घाव सूख जाएगा। तो बहुत सी माता बहनें हैं जो प्रसूता स्त्री होती है, प्रसूता स्त्री से अगर प्लेसेंट्रा नहीं निकल रहा है ना, जिसे बोल जाल की भाषा में आँव बोलते हैं, और जो उनका प्लेसेंट्रा नहीं निकल रहा, आँव नहीं निकल रही, अंग्रेजी भाषा में इसको प्लेसेंट्रा बोलते हैं, तो आप इसका काढ़ा बनाकर, अमरबेल का काढ़ा बनाकर, छोटी सी चाय बना करके इसकी पिला दीजिए। तो आप एक काढ़ा बना लेंगे और प्रसूता स्त्री को उसको पिला देंगे, तो इससे उसका आँव निकल जाएगा बिना किसी दर्द के। आपको इसका आयुर्वेदिक रूप तो बता दिया, लेकिन आप इसका मैं आपको तांत्रिक उपाय बताने जा रहा हूँ। इसका धार्मिक प्रयोग भी होता है, आध्यात्मिक प्रयोग भी होता है, इससे जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो जिनको बुरे सपने आते हैं, जिनको रात में बुरे सपने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे रात में खराब सपना देखते हैं, अचानक से फिर उठ जाते हैं, उनको बुरे सपने आते हैं, अचानक उठ जाते हैं, नींद खराब हो जाती है, आप भी परेशान हो जाते हैं, तो आपको एक काम करना है, आपको 4 उंगल के बराबर आपको एक छोटी सी अमरबेल लेनी है, और उसको उस बच्चे के तकिए के नीचे आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए आपको तकिए के नीचे रख देना है। तो उस बच्चे को जो बुरे सपने आ रहे हैं वो बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे, या फिर कोई भी गंदी शक्ति उसके आसपास होगी वो भी रुक जाएगी। दोस्तों अमरबेल से भूत भविष्य वर्तमान भी जान सकते हैं,
जो कि आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन जो जंगल के अमरबेल होते हैं ना दोस्तों, जो पीपल के पेड़ पर लगा अमरबेल होता है, जो जंगल में अमरबेल होता है, आपको ग्रामीण इलाकों में अमरबेल का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ पर आप रिहायशी इलाके में रह रहे हैं, जहाँ आप रह रहे हैं ना, उसके आसपास का अमरबेल नहीं प्रयोग करना। आपको जंगल में जो पीपल का वृक्ष पर अमरबेल हो उसका आपको प्रयोग लेना है। उसका निमंत्रण दे करके यदि आप उसको लाते हैं, और निमंत्रण के बाद आप उसको शनिवार के दिन आप ले आइए। आपको निमंत्रण कब देना है दोस्तों? शनिवार को। और लाना कब है? रविवार के दिन प्रातःकाल। तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको ले आना है और आपके तके के नीचे में रखें। 7 दिनों के भीतर आपको भूत भविष्य जोर सब देखना शुरू हो जाएगा, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने यह प्रयोग किया है और उनको 100% लाभ मिला है। आपको निकट भविष्य में, भूत भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटनाएं हैं बिल्कुल ही सही से दिखाता है दोस्तों ये। बाद में ऐसा माना जाता है कि अमरबेल को अगर शत्रु के घर पर फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन को नाश कर देता है ये, उसका सर्वनाश कर देता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर विधिवत चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से यदि आप सिद्ध कर देते हैं अमरबेल को और शत्रु के घर में आपको फेंक देते हैं ये अमरबेल, तो चामुंडा मंत्र को बिल्कुल ही आपको गूगल में सर्च करना है दोस्तों, मिल जाएगा चामुंडा मंत्र। और आपको अमरबेल को कहाँ फेंकना है? शत्रु के घर में, तो शत्रु के धन का नाश कर देता है दोस्तों। अमरबेल व्यक्ति को बर्बाद भी कर सकता है और आपको आबाद भी कर सकता है। यदि रवि पुष्य नक्षत्र में रविवार के दिन अमरबेल को निमंत्रण देकर लाया जाए और आपके घर में जो खाली जगह है वहाँ पर यदि आप लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे आप एक लता की भांति आपके घर में भी आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। आपके जीवन में धन दौलत सुख शांति, देवी माँ लक्ष्मी की कृपा और पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है दोस्तों। आशा करता हूँ कि अमरबेल के आयुर्वेदिक और धार्मिक उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो भी मंगलमय और कल्याणकारी जरूर साबित होंगे आपके लिए। तो आपको ये उपाय कर लेने हैं, लेकिन आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि आप और शेयर करने से और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकें। यह बहुत ही पुण्य का काम होता है दोस्तों शेयर करना। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर इसको स्टेटस बना करके लगा दीजिए ताकि सभी लोग इसको देख सकें। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों, जय श्री राम जरूर लिखिए ताकि आप पर भी श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।